नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज छठ व्रती करेंगे खरना, गुड़ और चावल के खीर का चढ़ेगा प्रसाद। खरना अंतरात्मा की स्वच्छता व शुद्धता का है प्रतीक। बीपीएससी 70वीं सीसी में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। ई प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करना जरूरी। वास्तुविद परीक्षा के लिए 10 नवंबर तक जमा करें दस्तावेज। आईटी कंपनियां निवेश के लिए बिहार से कर रही संपर्क, 10 आईटी कंपनियों का पंजीकरण हुआ पूरा। रोजगार सृजन और राज्य की होगी आर्थिक वृद्धि। नहीं रही बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, छठ के गानों से इन्होंने पाई थी प्रसिद्धि। छठ के पावन अवसर पर दुनिया को कह गई अलविदा। 7 से 21 नवंबर तक शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, विकल्प नहीं देने पर कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर। ऐसे शिक्षकों की मौजूदा पोस्टिंग को ही माना जाएगा गृह जिला। क्या आप घर पर भूल गए हैं अपना एटीएम, तो अब बिना एटीएम के भी पैसे निकालना हुआ संभव। जाने कैसे बिना एटीएम के निकाल सकते हैं पैसे। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में रोहित के खेलने की संभावना कम, पंत या बुमराह, कौन भारतीय टीम के बनेंगे कप्तान। जानिए किस खिलाड़ी की मोहम्मद कैफ ने की सिफारिश। चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर डेटा इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 592 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ग्रेजुएशन या संबंधित विषय में डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 22 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो चुकी है और आज खरना है। ये महापर्व संतान के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पंचमी को खरना मनाया जाता है, जिस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर खीर तैयार करके छठी मैया को अर्पित करते हैं। खरना का दिन अंतरात्मा की स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। बीपीएससी के एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब तक 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 4.7 लाख से ज्यादा ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है। ध्यान रखें, केवल वही अभ्यर्थी ही प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और शुल्क दोनों जमा किए हैं। इस बार कुल 2035 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने बापू सभागार में परीक्षा और परिणाम से संबंधित जानकारी देने के लिए एक विशेष आयोजन की योजना बनाई है, जिसमें अभ्यर्थी और उनके अभिभावक शामिल हो सकते हैं। साथ ही 10 नवंबर तक सहायक वास्तुविद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1937 में बिहार के पटना में हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और नौकर शाह के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के पदभार भी संभाले हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाया, जिसमें वास्तविक दरों में कमी, ऋण भुगतान पर कर में छूट और अन्य चीजें शामिल थी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित नेहरू पार्क का दौरा किया और निर्माणाधीन अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मृति स्थल पर लगने वाली अब्दुल कलाम आजाद की प्रतिमा, पार्क के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और प्रकाश व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेहरू पथ पर साइनेज लगाए जाएं ताकि लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। सीएम नीतीश ने कहा है कि 11 नवंबर तक मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, जिससे लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने छठ की तैयारी की भी समीक्षा की और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर उनके योगदान की सराहना की। बिजली कंपनी ने किसानों के लिए सस्ती सिंचाई दरों के अलावे अब खेती से जुड़े अन्य कार्यों, खासकर कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग अलग बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है।
कंपनी का ये कदम कोल्ड स्टोरेज संचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के मद्देनजर है, जिससे उन्हें व्यावसायिक कनेक्शन के मुकाबले सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी। वहीं पटना मेट्रो के शुरू होने के साथ मेट्रो सेवाओं के लिए भी अलग अलग बिजली दर तय की जाएगी। इन दोनों नई श्रेणियों में को लेकर बिजली कंपनी जल्द ही बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करेगी, जो आगामी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। सरकार ने जेई मेन नीट यूजी और सीयूईटी यूजी जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों और लीक को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। एनटीए परीक्षा सुधार समिति के सिफारिशों के तहत अब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सरकारी संस्थानों में परीक्षा केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पहले से ही सीसीटीवी और हाइब्रिड सेटअप की सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही हर केंद्र पर एनटीए के अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जैसे कि जेई एडवांस परीक्षा में होता है। बिहार में 7 से 21 नवंबर तक सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया होगी। इस दौरान शिक्षक अपने मुताबिक पोस्टिंग के लिए विकल्प देंगे। अगर कोई शिक्षक ऑनलाइन आवेदन में विकल्प नहीं भरता है तो उसकी मौजूदा पोस्टिंग को गृह जिला माना जाएगा। फिर वैसे शिक्षकों का कहीं भी तबादला किया जा सकता है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों पर ये नियम लागू होगा। यदि शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं तो उन्हें पोर्टल पर अपने विकल्प भरने होंगे और प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। असाध्य रोग, गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण के लिए संबंधित प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से जारी कराना होगा। पति पत्नी दोनों सरकारी स्कूलों में यदि टीचर हैं तो उसकी जानकारी भी पोर्टल पर देनी होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 44 नई डिलक्स बसों की खरीद की है, जो पटना आ चुकी है और इसका निबंधन भी हो चुका है। नवंबर में इन बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इन बसों को विभिन्न बस प्रमंडलों में आवंटित किया गया है। कुल 1.98 करोड़ रुपए की लागत से इन बसों की खरीद की गई है और इनका परिचालन पटना से विभिन्न स्थानों के लिए किया जाएगा। साथ ही बिहार परिवहन निगम पुराने पीपीपी मोड की बसों के लिए 11% कमीशन निर्धारित कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर चुका है। छठ महापर्व के दौरान पटना से विभिन्न शहरों, खासकर मुंबई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को महंगे हवाई किराए का सामना करना पड़ रहा है। 9 नवंबर को पटना मुंबई के लिए हवाई किराया करीब 30,000 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी दिन पटना दिल्ली मार्ग पर भी किराया 12,670 रुपये से लेकर 19,180 रुपये तक हो गया है, जबकि सामान्य दिनों में ये किराया 4,000 से 5,000 रुपये के बीच में होता है। ये स्थिति 13 नवंबर तक बनी रहेगी। त्योहारों के दौरान हवाई किराए में ये भारी वृद्धि यात्रियों के लिए चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि ये सामान्य किराए से 4 गुना तक महंगा हो गया है। बिहार सरकार ने जनवरी 2024 में नई आईटी नीति लागू की थी, जिसके तहत आईटी, डेटा सेंटर, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियां निवेश के लिए राज्य से संपर्क कर रही हैं। 10 आईटी कंपनियां पंजीकरण कर चुकी हैं, जबकि 10 और कंपनियां प्रक्रिया में हैं। मंत्री संतोष कुमार सुमन के अनुसार बिहार में डेटा सेंटर के लिए एयरटेल ने 268 करोड़ रुपये का निवेश आवेदन किया है और ड्रोन निर्माता कंपनियां भी राज्य में निवेश करना चाह रही हैं। इस नीति से रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है और आईटी सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की संभावना है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे सीटों और रिजर्वेशन में कठिनाई होती है। इस सीजन में भारतीय रेलवे ने आरसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट को वेटिंग टिकट में बदलने का निर्णय लिया है। फेस्टिवल सीजन में आरसी टिकट का कंफर्म होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ट्रेन के डिब्बे अनफिट हो जाते हैं और नए डिब्बे उपलब्ध नहीं होते। इससे आरसी के यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती है और उनका टिकट वेटिंग में बदल जाता है। इसके अलावा रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर रहा है, लेकिन फिर भी सीटों की कमी हो सकती है। आरसी टिकट का अर्थ है कि कन्फर्म होने पर सीट मिलेगी, अन्यथा ये वेटिंग टिकट बन सकता है।
सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत दो शिक्षक और पांच शिक्षिकाओं को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक कई सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन जांच में उनके प्रमाण पत्र अवैध पाए गए। इस कार्रवाई के तहत बथनाहा प्रखंड के शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। वहीं मधुबनी में 300 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। पहले जिले के 640 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए थे। इन शिक्षकों का नवंबर में फिर से काउंसलिंग होगा और जिनके प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे सूर्य मंदिर पुण्याग के बारे में। छठ जैसे महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान हम बिहारी उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ के दौरान इस पावन अवसर पर सूर्य मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ये मंदिर पटना जिले के पंडारक में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गंगा के तट पर है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में छठ पूजा करने से चर्म रोग दूर होता है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो इस सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। बिहार के पुर्णिया की कशिश कपूर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनी है। कशिश को दिवाली के एक दिन पहले शो में एंट्री मिली थी और उन्होंने मुंबई पहुंचकर शूटिंग शुरू की। कशिश का सपना बचपन से फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का था और उन्होंने अपनी मेहनत से ये सपना पूरा किया। इससे पहले कशिश ने स्प्लिट्स विला 15 में 10 लाख रुपए जीते थे और मिस फैशन आइकन भी बनी थी। कशिश के परिवार का कहना है कि वो छोटी जगह से बड़े मुकाम तक पहुंची और उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। कशिश ने अपने प्रयासों से साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आप एटीएम कार्ड घर पर भूल गए हैं और पैसे निकालने जाना चाहते हैं तो ये पैसे बिना क्रेडिट कार्ड के भी निकाल ले जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बिना डेबिट कार्ड के कैसे पैसे निकाल सकते हैं। आप UPI ऐप का इस्तेमाल करके ATM से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए ATM में कैश विड्रॉल ऑप्शन पर जाकर UPI का चयन करना होगा। फिर QR कोड स्कैन करें, अमाउंट और UPI पिन दर्ज करें और पैसे निकालें। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो आप बैंक की ऐप से भी पैसे निकाल सकते हैं। बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही सुबह और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे ठंड का एहसास हो रहा। तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कई जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की उम्मीद है। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके पद से हटा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एम्स गोरखपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए अपने बेटे डॉक्टर आरोप प्रकाश पाल का नामांकन PG में नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर कराया, जबकि वे स्वयं नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते थे। इस मामले में जांच के बाद 2 सदस्यीय समिति ने डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल को पद और अधिकारों के दुरुपयोग का दोषी पाया और उन्हें पद से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्षण्य को 3 माह के लिए पटना का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ हुई और आज खरना की तैयारी की जाएगी। इस अवसर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मिसा भारती के साथ बीते दिन पटना के दुल्हन बाजार स्थित उलार सूर्य मंदिर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने पर सवाल किया, जिस पर लालू यादव ने कहा कि ये नीतीश कुमार की आदत है। दरअसल 3 नवम्बर को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद RK सिन्हा के आयोजन में भाग लिया था और उनके पैर छूकर उनका अभिनंदन किया था। उलार सूर्य मंदिर बिहार के प्रमुख अर्घ स्थलों में से एक है, जहां लोग पुत्र प्राप्ति और रोग से मुक्ति के लिए पूजा करने आते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में गया जिले के बेलागंज सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कसोल ने दावा किया कि बेलागंज में RJD तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी। उन्होंने RJD सांसद सुरेंद्र यादव और उनके बेटे विश्वनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बेलागंज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का कब्जा था, जिसे जनसुराज ने खत्म किया। नीतीश कुमार की पार्टी JDU को भी उन्होंने आलोचना का निशाना बनाया और आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बेलागंज उपचुनाव में जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है और मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। परिणाम 30 नवंबर को आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया का अगला चैलेंज ऑस्ट्रेलिया दौरा है, जहां उन्हें
22 नवंबर से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने की संभावना कम है, जिसके बाद मोहम्मद कैफ का मानना है कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा टीम को फ्रंट फुट पर रखते हैं और विभिन्न कंडीशंस में रन बना सकते हैं। हालांकि उप कप्तान जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के बड़े दावेदार हैं और वे पहले टेस्ट में कप्तानी कर सकते हैं। कैफ के अनुसार पंत भविष्य के कप्तान हैं और उनकी विकेट कीपिंग में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत या बुमराह किसे कप्तानी संभालनी चाहिए, आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1763 में ब्रिटिश फौज में मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1913 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे थे। आज के दिन वर्ष 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1998 में सियाचिन में युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान ने नामंजूर किया था। आज के दिन वर्ष 2000 में ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा था। आज के दिन वर्ष 2013 में सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो कुछ आसान तरीकों से आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए वाइब्रेशन को बंद करें, क्योंकि ये रिंगटोन से ज़्यादा बैटरी खपत करता है। एमोल्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन में डार्क वॉलपेपर का इस्तेमाल करें, जिससे बैटरी की खपत कम होती है। जिन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। बैटरी खत्म होने पर बैटरी सेव मोड और एयरप्लेन मोड ऑन रखें। ऑटो सिंक को बंद करें। इसके अलावा डिस्प्ले पर बेकार विजेट्स को हटाएं, ताकि बैटरी ज़्यादा समय तक चले। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 लॉन्च किया गया है, जिस पर कॉल करने की ब्लड की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर के फर्जी होने की पुष्टि की है। वे लंबे समय से बीमार थीं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने फेसबुक पर उनके मृत्यु की सूचना दी है। शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के गीतों से प्रसिद्धि पाई थी और अब उनका छठ के दौरान ही निधन हुआ है। उन्हें 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने भोजपुरी, मगही और मैथिली में लोकप्रिय गीत गाए हैं और उन्हें बिहार की कोकिला का खिताब भी मिल चुका था। सोमवार को उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अंशुमन से बात कर शारदा सिन्हा के इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन भी लिया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए है 1 ग्राम, ऑप्शन बी है 6 ग्राम, ऑप्शन सी है 8 ग्राम, ऑप्शन डी है 5 ग्राम। इसका सही उत्तर है 5 ग्राम। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है मणिपुर। बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1921 में। इसका सही उत्तर 1937 में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है बिहटा। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है विनय कुमार, मोतीलाल कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रमीला कुमारी, राजू पटेल, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, आशा भारती,
रवि कुमार राम दिलखुश छोटू राजा आनंद साह विजय घायल संजीव कुमार वीरेंद्र कुमार अजय कुमार नवल किशोर झा धीरज कुमार रामबाबू दास रवि मोहन वर्मा अंजलि कुमारी अतीक खान मोहम्मद साकिर हुसैन अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको छठ में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।